हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक ऑर्डर आया है जिसका नाम है ग्रिजोन मैजिक मॉप। इसे हमने मंगवाया है ऑर्डर देके, तो आज हम इसे अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर ये कैसा है। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं। देखिए, हम इसे फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगल बगल बच्चे भी लग गए हैं। देखते हैं हमारा क्रिसोन मैजिक मॉप कैसा है। इसे हम ऑर्डर करके हमने मंगाया। देखिए, अनबॉक्सिंग हो गया है और ये निकला है क्रिसोन मैजिक मॉप। देखिए इसके साथ क्या क्या मिला है। इसके साथ एक लंबी स्टिक मिली है जिससे पकड़ के हम जो है घर में पोछा मार सकते हैं। और इसके साथ एक टब मिला है। टब में बीच में बाकी सुखाने अंदर भी कुछ नहीं है, और अंदर कुछ अंदर नहीं में है। खाली, उसके अलावा कुछ नहीं है प्रोडक्ट। और ये देखिए, बच्चे लोगों भी लग जा रहे हैं। नो रिकॉर्डिंग कट गया। इस तरह देखिए प्रोडक्ट खुला है और इसके साथ क्या क्या मिला है हमें देख सकते हैं। ये क्या है चाचू? चाचू ये क्या है? ये बच्चे लोगों का खिलौना भी बन गया है। और ये इसमें मिला है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये कस्टमर नंबर है, व्हाट्सएप द्वारा मैसेज चैट कर पा सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर है ये, इसमें नंबर है, मैसेज किया जाता है। देखिए उसके साथ ये कपड़ा मिला है। ये कपड़ा देखिए कितना कपड़ा, ये दो कपड़ा है। कितने कपड़े है? दो दो तीन, तीसरा लगाने वाला। ओके, पे दूसरा स्टिक भी है डंडा में। ये हैंडल है, ऊपर में लगता है। और ये देख, जूता पर जूता भेज देगा, बड़ा तो बड़ा बेटा भी सोचेगा कि बाप कितना जूता हो रहा है। डंटा कुछ छोटा है ना? डंटा काफी छोटा है। नहीं नहीं डंटा ये कोडी। देखिए किस तरह से लगता है। इसे लगाने की तरकीब जो है ये है। देखिए कहाँ घुसता है ये। इस तरह से आप इसको लगा के अटैच कर सकते हैं। मुझे तो लगाने लगाने नहीं आ रहा है। जैसे लगाते हैं किस तरह से लगता है ये देखें। अभी तक देखिए, ये जो है इस तरह से खुलता है। खुलने के बाद ये लगेगा। हाँ, ये खुलने के बाद नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। इसको लगाने का एक तरकीब अलग है। देखिए कैसे लगेगा, ये दिखा रहे हैं कैसे लगेगा। इसको लगाना है फिर उसके बाद ये इस तरह से लगाना है, और उसके बाद उसे लगाना है और ये लगेगा इस तरह से लगेगा ये। देखिए किस तरह से लगता है ये, इस तरह से लगेगा ये। ठीक है, इस तरह से ये टाइट हो जाता है लग के। और इस तरह से आप इसका जो है यूज कर सकते हैं। अभी हम आपको यूज भी करके दिखाएंगे कैसे इसका यूज होता है, कैसे ये काम करता है। काफी अच्छा मजबूत। क्या होना चाहिए? थोड़ा सा फोल्ड। अच्छा, मुड़ने वाला होगा। होगा ऐसे 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 मुड़ता होगा? नहीं मुड़ रहा नहीं। और इसमें इसमें मुड़ने का जो है आगे पीछे वाला सीन इसमें नहीं है। यहाँ से आप स्टिक बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसको खोलेंगे और इस तरह से ये बंद हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा।
करिएगा ना, ऐसे 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 करिएगा ना, ऐसे ऐसे तो पानी ऐसे ऐसे निचराएगा, ऐसे ऐसे डालिएगा, फिर निचरा गया पानी सब, फिर इसके बाद इसको बड़ा डंडा करिए ऐसे लॉक कर दीजिए, तब जाके ऐसे ऐसे पोछा मारो, फिर इसमें डुबाइए ऐसे ऐसे धो लीजिए, फिर इसमें करके अपना ये तो बड़ा अच्छा है घर पोछने वाला। हाथ लग गया? बहुत लगेगा, हटाइए। बड़ा अच्छा है, पानी गर जाएगा पोछा घुस के अपना। अरे मैं भी करूंगा। टूट जाते टूट जाते हले और अपना, फिर इसको अपना पोछा अच्छा मरा गया ऐसे करके रख के अपना छोड़ दीजिए। ये क्या किया? वो एक इसको सेट कर लीजिए। अच्छा सेट होता है? हाँ, कहीं से तो सेट होता होगा ना इसमें। कपड़ा बहुत, अरे कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए था, रस्सी रहता कपड़ा जो है, देखिए इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, ये थोड़ा हार्ड होना चाहिए, इससे घर जल्दी पोछाता। कपड़ा का क्वालिटी बहुत ही मतलब बेकार है, उतना बढ़िया नहीं है, कपड़ा का क्वालिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, और तब इसे थोड़ा सा जो है कुछ ज्यादा ही मुलायम है, घर पोछने में बड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए मुलायम दिया है कि इसका पानी जो है जल्दी निचोड़ कर निकाला जा सके, इसका पानी जल्दी। हम आपको कपड़ा दिखाते हैं, देखिए बच्चे लोग अपना घुमा घुमा के खेल रहे हैं, खेलने के लिए बहुत अच्छा ये खिलौना हो गया है, इन लोग के लिए घुमाने के लिए एक नंबर हो गया है, इन लोग के लिए हो जाएगा और साथ भी हो गया, इन लोग खेलते देखिए कैसे ये लोग खेल रहे हैं घुमा घुमा। चलिए तो हम आपको डेमो करके दिखाते हैं, ठीक है, तो हम लोग डेमो करने के लिए आ गए हैं, इसका डेमो आप करके आपको दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा है और ये कैसे इसका घर पोषण, देखिए इसका डेमो करके दिखाते हैं आपको, वैसे इसमें कैसे पानी डुबाया जा रहा है, कैसे देखिए कैसे ये सूखता है, डेमो इसी तरह होता है ना, आपको इसी तरह पानी में डुबा के रखना है और ये इस तरह से को ये करना, देखिए और ये बिल्कुल सूख गया, इसका पानी भी देखिए पूरा एकदम निकल गया, जितना भी पानी था वो निकल गया, देखिए हाँ देखिए वो दिखाते ही, वाओ सूख कर एकदम तैयार, इससे आप घर पहुँच सकते हैं, अगर आप ज़्यादा घुमाइएगा तो पूरा सूख जाएगा, इससे अच्छा है कि आप जो है हल्का सा एक बार घुमाइए और घर पहुँच लीजिए, बिल्कुल पहुँचने लायक हो जाएगा, इधर पानी है, पानी डाल के भी आप पहुँच सकते हैं, एक बार और एक बार दिखा देते हैं आपको, ऐसे इसमें पानी डालो ना एक बार हो जाएगा, देखिए क्या मस्त है, सूख के तैयार, पोछा मार के दिखा दो बाबू, देखिए इस तरह से हम लोग पोछा मार सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी मार सकते हैं, ज्यादा गंदा है तो फिर ऊपर मत मारिए, इसे आप जाली उली भी साफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर नहीं नहीं सिर्फ पोछा आएगा, जाली भी साफ कर सकते हैं, पोछा नहीं मारा पाएगा। हाँ तो अब हम आपको इसका यूज़ करके दिखाएंगे, देखिए कैसे पानी में डुबा के निकालना है इसे, और निकालने के बाद किसे किस तरह इसे सुखाना है, इसे पूरी तरह दबाइए ऊपर से स्टिक को, ये घूमेगा, घूम के पूरी तरह ये सूख जाएगा, आप जितना बार घुमाएंगे उतना ज़्यादा ये सूखेगा, तो आप देखिए हम आपको इससे पोछा मार के दिखाएंगे कैसे इसे पोछा मारते, देखिए हाँ इस तरह से जो है आपको रगड़ना है स्टिक को, और बस आपका पोछा तैयार, पूरा घर आप इस तरह से पोछ सकते हैं,
पूरी तरह रगड़ के देखिए, जितना आपको अच्छा से पोछना है सभी तरह आप पोछ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इस मैजिक मॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको और भी एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ किस तरह से पोछने के बाद कैसा दिख रहा है। ये एक बार मैं फिर से इसे सुखा देता हूँ, ये लगता है ये ठीक से सूखा नहीं है, तो आप इसे और भी अच्छी तरह से सुखा सकते हैं। और सुखा के फिर से जो है आप इस पर एक बार फिर से पोछा जो मारे थे आप उस पर फिर से एक बार पोछा मार सकते हैं। तो देखिए ये पूरी तरह से सूख गया। देखिए आप आपको पूरी तरह से मैं चारों तरफ मार के पोछा दिखाता हूँ। देखिए देखिए किस तरह से ये पूरी तरह सफाई हो रही है। बच्चे भी जो है आराम से बोल सकते हैं इस पे। ये पूरा जो है फर्श को सुखा देता है। और उसके बाद आप अच्छी तरह से अपने खड़े खड़े आप जो है स्टिक सेट करके देखिए इस तरह से जो है आप पूरी तरह से कपड़े को धो लीजिए, जिसका इससे जिससे आपने पोछा मारा उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। और धो के बढ़िया से जो है पानी को गाड़ के जो है इसको सुखा लीजिए। देखिए किस तरह से जो है स्टिक को दबाना है, ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। उसके बाद जो है अच्छी तरह से सुखा लीजिए, अब 2-3-4 बार सुखा लीजिए इसे पूरी तरह से। ये जो है अच्छी तरह से कपड़ा जो है पूरी तरह से सूख जाएगा। आपको दिखाएंगे कि कपड़ा किस तरह से सूखा है, तो आपको दिखाते हैं। देखिए आप इसी तरह से दबाते रहिए, सूख जाएगा ये। देखिए ये जो कपड़ा है एकदम सूख कर एकदम सही हो गया है, आप छू के देख सकते हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि हमारा मैजिक मॉप का रिव्यू आपको कैसा लगा, तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।